सरकार की कोरोना काल में बांटी गई दाल का असर अब बाजार में दिखने लगा है। उत्पादक मंडियों से लेकर थोक बाजार तक मांग का अभाव बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप मंडियों में इसके भाव MSP के नीचे 4,950 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले जा रहे हैं। सरकार ने चने का MSP 5,230 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है। लूज में तो चना 4,600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। दाल कारोबारी का कहना है कि राजस्थान की मंडियों में इन दिनों करीब 55,000 बोरी चना प्रतिदिन उतर रहा है। जयपुर में मिल डिलीवरी चने के भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। उत्पादन केंद्रों पर नए माल की आवक व मंडियों में उठाव कमजोर होने से चने में तेजी के आसार नहीं है। बाजार में धन तंगी से भी मांग पर विपरीत असर पड़ा है। कमजोर उत्पादन को देखते हुए तुअर में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से स्टॉकिस्टों ने काफी तुअर पकड़ रखी है। मंडियों में तुअर की आवक अब धीमी पड़ रही है, लेकिन सामने मांग भी कमजोर है। उम्मीद है कि रमजान के बाद से दालों में पूछताछ शुरू हो सकती है और भाव में सुधार होगा। फिलहाल लगभग सभी स्टॉकिस्ट तेजी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे नुकसान से उभर सकें। जिनके पास पुराना स्टॉक है वह मई जून तक तेजी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।